नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। कल 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। फिरोजपुर जिले के मुदगी के पास रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी आ गए, जिससे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब दौरा रद्द कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पीएम की सुरक्षा की चूक। पंजाब सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी है, जो 3 दिन में गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के पिछले 4 डेटा दे रहे हैं। पहली, 2 फरवरी 2019, सुरक्षा में सेन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाषण छोटा करना पड़ गया था। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली के बीच एक हलचल मची और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बैरिकेड्स तोड़कर भीड़ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण 20 मिनट में ही खत्म किया और एसपीजी ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। भीड़ में भगदड़ के बीच कई लोग नीचे गिर गए और घायल भी हो गए। इसके बाद दूसरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों के इतने प्यार से मैं अभिभूत हूं, लेकिन उन्हें संयम बनाकर रखना चाहिए था। दूसरी घटना, 26 मई 2018, एसपीजी सिक्योरिटी देखती रह गई और एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया। विश्व भारती कन्वोकेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध लगी थी। नादिया के एक युवक एसपीजी सिक्योरिटी से गुजरते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तक पहुंच गया। जब तक गार्ड्स उसे पकड़ते, उसने प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। पीएम मोदी पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर बाद में वो सहज हो गए। पूरा घटनाक्रम इतना तेज था कि प्रधानमंत्री के साथ मौजूद वाइस चांसलर सबुज कली सेन को तक पता नहीं चला। पुलिस ने युवक को पकड़ा और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। तीसरी घटना, 25 दिसंबर 2017, नोएडा के काफिले में जब दो पुलिस वालों ने गलत मोड़ ले लिया था। 25 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी नोएडा दौरे पर थे। उनके काफिले में आगे चल रहे दो पुलिस वालों ने एक गलत मोड़ ले लिया। इससे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला महामाया फ्लाईओवर के ट्रैफिक में 2 मिनट तक फंसा रहा। यह पीएम की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी। एसएसपी लव कुमार ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। सीएम योगी ने भी इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। वो नोएडा में बोटैनिकल गार्डन कालकाजी मेट्रो लाइफ का उद्घाटन करने गए थे। चौथी घटना, 7 नवंबर 2014, 3 लेयर की सिक्योरिटी तोड़कर प्रधानमंत्री तक एक शख्स पहुंचा था। महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई वीवीआईपी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान अनिल मिश्रा नाम का एक शख्स 3 लेयर की सिक्योरिटी तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के पास डायस तक पहुंच गया था। उसके पास ना तो पहचान पत्र था और ना ही कोई पास था। अनिल मिश्रा ने अमित शाह, फडणवीस और उद्धव ठाकरे के साथ एक सेल्फी भी ली थी। शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद भी कई बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे थे। कई जगहों पर उन्होंने वहां पर प्रोटोकॉल तोड़ा। विदेशी मेहमानों के स्वागत में भी प्रधानमंत्री कई बार प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर गले मिलने की तस्वीर उनकी खूब वायरल हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी के जवानों का ही होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M राइफल जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे का एक प्रोटोकॉल भी होता है। किसी राज्य में प्रधानमंत्री जब दौरे के समय वहां की 4 एजेंसियां वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देखती हैं। पहली एसपीजी, दूसरी एएसएल, तीसरी राज्य पुलिस और चौथी वहां का स्थानीय प्रशासन। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम यानी एएसएल प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट होती है। एएसएल टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में होती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी एएसएल की मदद से ही प्रधानमंत्री के दौरे की निगरानी रखते हैं। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के समय रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा संबंधी नियम भी तय करती है। आखिरकार पुलिस के निर्णय की निगरानी एसपीजी अधिकारी ही करते हैं। केंद्रीय एजेंसी एएसएल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और रूट की सुरक्षा की जाँच करता है। इसके साथ ही एसपीजी प्रधानमंत्री के करीब आने वाले लोगों की तलाशी और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा को देखता है। स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर भी यह काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इस पे कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।